बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए केमिकल काइनेटिक्स में अब तक हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने सीखा रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट डेरिवेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट्स आर सेम व्हेन रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। फिर देखा हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फिर देखा मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और छोटे छोटे कई टॉपिक हमने इस बीच लिए थे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेडियो सक्रिय विघटन। आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा नाभिकीय रसायन में कि यूरेनियम और उसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं वे सब रेडियो सक्रिय होते हैं, रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वे विघटित होते रहते हैं, उनके न्यूक्लियाई, उनके नाभिक विघटित होते रहते हैं और छोटे न्यूक्लियाई में, छोटे नाभिकों में परिवर्तित होते रहते हैं। कब तक परिवर्तित होंगे? जब तक कि स्थायी न्यूक्लियस नहीं मिल जाता, स्थायी नाभिक नहीं मिल जाता है। और सामान्यतः ये जो स्थायी नाभिक है या तो लेड होता है या फिर ये बिस्मिथ होता है। तो यूरेनियम और उसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं, ये अधिकांशतः या लगभग सभी ये क्या होते हैं? रेडियो सक्रिय प्रकृति के होते हैं। और इससे पहले की भी हम बात करें तो प्रोमीथियम जिसका नंबर 61 है वो भी रेडियो एक्टिव नेचर का है, टेक्नीशियन जिसका नंबर 43 है वो भी रेडियो सक्रिय नेचर का है। तो हमें आज रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन की रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है और उसके बारे में पढ़ना है। माना कोई एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ए है और उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, उसका विघटन हो रहा है। ये कोई रेडियो न्यूक्लियाई ए और ये डिसइंटीग्रेट होकर क्या बना रहा है? ये प्रोडक्ट या फिर हम इसको कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। इसको हम न्यूक्लियाई पेरेंट न्यूक्लियाई कहेंगे, इसको डॉटर न्यूक्लियाई कहेंगे। ये डॉटर न्यूक्लियाई बना रहा है। तो यहाँ जब हम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन की बात करेंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर माइनस डी ए अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एन। अब इसको एक एक चीज को समझने की कोशिश करो। देखो तो याद करो जब पहले वाला एपिसोड में हमने बात की थी तो हमने कहा था कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन अगर लिखना है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट लिखना है तो हमेशा यहाँ पर माइनस साइन लगाते हैं, या आपको याद हो। और यदि इसको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के रूप में लिखना है तो प्लस साइन लगाते हैं या फिर कोई साइन नहीं लगाते। याद होगा आपको हमने कहा था dx by dt का मतलब क्या? dx by dt का मतलब है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद के बनने की दर। माइनस dx by dt का क्या मतलब था? माइनस dx by dt का मतलब समझाया था रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट, अभिकारकों के विघटन की दर। यहाँ रिएक्टेंट कौन? हम क्या मानो ए है ना, ये विघटित हो रहा है, किसमें? छोटे डॉटर न्यूक्लियाई में विघटित हो रहा है। तो यहाँ साइन क्या लगाया हमने? माइनस साइन लगाया इसी कारण से। तो यहाँ हम कहेंगे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है। एन यहाँ पर क्या है? एन यहाँ पर नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, रेडियो सक्रिय नाभिकों की संख्या। डी एन मतलब एक छोटा सा संख्या, उनकी थोड़ी संख्या। और डी टी यहाँ पर स्मॉल टाइम इंटरवल, छोटा समयांतराल। इसका मतलब क्या हुआ कि छोटे से समयांतराल में, एक छोटे से टाइम पीरियड में डी टी में डी एन न्यूक्लियाई का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, उसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया है। और एन यहाँ पर क्या है? एन यहाँ पर उस समय पर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की संख्या है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। बात समझ में आ गई ना? तो जैसे कि हमने कहा था वेदर इट मे बी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और इट मे बी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और यहाँ रिएक्टेंट कौन है? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। उसी कंसेंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर से। और नंबर कितना है यहाँ पर? एन। तो हमने कहा माइनस डी एन अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एन। यहाँ डी एन अपॉन डी टी क्या है? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट स्मॉल टाइम इंटरवल टी डी टी। और यहाँ पर एन उस समय नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है। या इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? माइनस डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन। और लैम्डा यहाँ पर क्या कहलाएगा? डिके कॉन्स्टेंट, डिके कॉन्स्टेंट। इसको विघटन स्थिरांक कहते हैं लैम्डा को, ठीक है? जैसे वहां अपन के लिख रहे थे ना, यहाँ क्या लिखेंगे इसको? लैम्डा। तो माइनस डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन। और लैम्डा यहाँ पर क्या है? डिके कॉन्स्टेंट या विघटन स्थिरांक। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू क्या गया? लैम्डा।
डी टी को इधर ले गए, एन को इधर ले आए, तो माइनस डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू लेमडा डी टी। यहां तक समझ आएगा, ये इक्वेशन वन हो गया। अब कह रहे हैं टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस समीकरण का समाकलन करें, इंटीग्रेशन करो। शुरू में रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई की संख्या मानो कितनी हो, एन जीरो। इनिशियल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई वर एन जीरो, यहाँ एन जीरो है, और टी टाइम के बाद कितने हो जाए मान लो एन टी। ये हमने इनिशियल लिमिट ले ली, ये फाइनल लिमिट ले ली। जीरो टाइम पर यानी कि प्रारंभ में रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की संख्या कितनी थी, एन जीरो, और टी टाइम पर कितनी, एन टी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम जीरो टू टी, जीरो समय पर एन जीरो, टी समय पर एन टी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, लॉगरिथम ऑफ माइनस में आ गया एन टी अपॉन एन जीरो इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा टी। क्योंकि यहाँ हमने लिमिट्स में किया इंटीग्रेशन, इसलिए हमें इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ क्या आ गया, माइनस लॉग एन टी अपॉन एन जीरो इक्वल टू लैम्डा टी, या इसको और लिखें तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ लिखे वन अपॉन टी, इसको ऊपर ले जाओ, एन टी को नीचे ले आओ, तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर लॉग एन जीरो अपॉन एन टी, हमने इसको चेंज कर दिया तो ये प्लस में आ गया, तो ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ गया, तो वन अपॉन टी लॉग एन जीरो अपॉन एन टी, या फिर यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग एन जीरो अपॉन एन टी। ये 2.303 क्यों करा, क्योंकि तो हमने पहले भी कहा था जब कभी लॉग टू द बेस ई को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिके कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या गई हमारे पास में, लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग एन जीरो अपॉन एन टी। समझ में आ रहा है, लैम्डा क्या है यहाँ पर, डिके कॉन्स्टेंट, टी टाइम एन जीरो, इनिशियल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई या इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, और या एन टी यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ रेडियो आइसोटोप्स और नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम टी। अब इसको जरा ध्यान से देखो और याद करो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने क्या निकाला था, के वन इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ए वहां क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यहाँ ये क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। ए माइनस एक्स क्या था, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, यहाँ पर ये टी, यहाँ पर एन टी, यहाँ पर क्या है कि कितने रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई टी समय पर बच गए। इसका मतलब ये जो हमें इक्वेशन आई ये कैसी आई हमारे पास में, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसी। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेडियो सक्रिय विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपको रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन के बारे में कहे, डिके कॉन्स्टेंट निकालने के बारे में कहे, तो आपको ये पूरा इस तरह का डेरिवेशन आपको निकालना है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ के बारे में हमने सीखा था, द टाइम एट विच हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड हाफ लाइफ, वह समय जिसमें अभिकारकों की आधी सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है अर्धायु या हाफ लाइफ कहलाती है। अब यहाँ क्या देखें, टी इक्वल टू क्या लिखें यहाँ पर, टी हाफ, और एन टी बराबर क्या होगा, ये होगा एन जीरो अपॉन टू, ये इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, उसका हाफ हो जाएगा एन टी के बराबर आ जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया 2.303 अपॉन टी की जगह क्या रख देंगे, टी हाफ लॉग एन जीरो अपॉन एन जीरो बाई टू, समझ आ गया ना, जो एन जीरो और एन टी क्या रख दिया, एन जीरो बाई टू, ये टू ऊपर चला जाएगा, एन जीरो से एन जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया लॉग टू, और लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग टू। लॉग टू की वैल्यू कितनी होती है, ये पहले भी हमने सीखा था 0.3010, ये लॉग टू की वैल्यू है। यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ, टी हाफ और इंटू 0.3010, या लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया 0.693 अपॉन टी हाफ, या फिर टी हाफ बराबर लिखने में क्या जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा।
तो हाफ लाइफ कितनी हो गई, 0.693 अपॉन लैम्डा, ये हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ जब अभी आपसे कहे रिडक्टिव डिसइंटीग्रेशन के निकालें तो क्या आएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा।